नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। भादवे का पवित्र महीना चल रहा है और भादवे के महीने में आप जानते हैं कि बाबा रामदेव जी महाराज के भक्त आपको राजस्थान की हर सड़क पर दिखाई देंगे और रामदेवरा रुणेचा धाम की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। पैदल जो यात्री है, संघ है, वो जगह जगह से रवाना होते हैं बाबा रामदेव जी की ध्वजा लिए भजन कीर्तन करते हुए, डीजे की धुन पर थिरकते हुए बाबा रामदेव जी के रामदेवरे की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही एक दृश्य सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा ग्राम से रामदेवरा, मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, जो रामदेव जी महाराज का मंदिर है रामदेवरा गोपालपुरा में, वहाँ से आपणो संघ गोपालपुरा के सदस्य, गोपालपुरा के लोग बड़ी धूमधाम से संघ यहाँ से रवाना होने वाला है पैदल यात्रियों का, जो कि रामदेवरा धोख देने के लिए यहाँ से जाएगा। लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से पैदल संघ के द्वारा की जाएगी। आइए अंदर चलते हैं, बाबा रामदेव जी महाराज के आपको दर्शन करवाते हैं, दिव्य ज्योत के दर्शन करवाते हैं और हम भी इस पावन कार्य में शरीक होते हैं। यह रामदेवरा का धुणा, बाबा रामदेव जी महाराज मूर्त रूप में यहाँ विराजमान है। रामदेवरा गोपालपुरा का यह दृश्य है। बाबा रामदेव जी महाराज दिव्य ज्योत के रूप में प्रकट हो चुके हैं। दिव्य ज्योत आरती पश्चात संघ रवाना होगा। बाबा रामदेव जी महाराज की सफ़ेद ध्वजा नीले आसमान में लहरानी शुरू हो चुकी है और हाथ में बाबा रामदेव जी महाराज की फोटो लिए संघ रामदेवरा से रवाना हो रहा है। जयकारे बाबा रामदेव जी महाराज के लगाते हुए संघ रवाना हो चुका है। संघ को रवाना करने के लिए सरपंच सविता जी राठी, जो कि गोपालपुरा की सरपंच हैं, पहुंची हैं। पैदल यात्रियों का संघ यहाँ गोपालपुरा से रवाना हो रहा है। गोपालपुरा के रामदेवरा से दृश्य देख रहे हैं, जहाँ भक्त नाचते गाते पैदल यात्री संघ बाबा रामदेव जी महाराज के रवाना हो रहा है। भक्त नाच गाकर रवाना संघ को कर रहे हैं।
Thank you.
गोपालपुरा ग्राम में रुणेचा धाम के लिए बाबा रामदेव जी महाराज के पैदल यात्री रवाना हो चुके हैं। सरपंच सविता जी राठी जो कि न सिर्फ यहाँ रवानगी देने के लिए आई हैं, खुद नाच गाकर बाबा रामदेव जी के भजनों पर नृत्य कर रही हैं। क्या कहेंगे इस आयोजन को और कौन सी फेरी है ये? लगभग 22 सालों से ये फेरी बाबा रामदेव सा पीर की गोपालपुरा से पैदल यात्री संघ जो कि यहाँ से हर साल इसी तरह नाचते झूमते गाते पूरे गांव की खुशहाली के लिए सौभाग्य के लिए हमारे ग्रामीणों के खेत खलियानों के लिए सबके लिए जो है हम कामना मांगते हैं और पूरी गोपालपुरा की जो बालेरा की कांकड़ है वहाँ तक हम पूरे ग्रामवासी नाचते गाते हुए इन्हें हम विदा देते हैं ताकि ये बाबा साहब के पास जाए और गोपालपुरा गांव इस रुणीचा धाम और हमारे द्रोणांचल धाम के लिए और आसपास सभी गांवों के लिए सारे विधानसभा क्षेत्र के लिए खुशहाली की कामना मांगते हैं और खुशहाली लेकर आते हैं। लगभग ये कब से ये यात्रा चली आ रही है? 14 साल से पैदल यात्री संघ की यात्रा है। वैसे 22 साल हो चुके, पहले कई लोग अलग अलग जाते थे लेकिन ये जो संघ है ये 14 साल से लगातार बाबा साहब के जो है पैदल यात्री संघ जाते हैं। बिल्कुल, लगभग यहाँ से कितनी लंबी यात्रा होगी? ये लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा है।